डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लेसन 6 पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम पढ़ाई। अब मैं आपको नेशनल एंथम पढ़ाने जा रही हूँ। मोस्ट कंट्रीज हैव ए नेशनल एंथम। ज्यादा से ज्यादा कंट्री देश जो है उसके पास अपना एक राष्ट्रीय गान होता है। इट इज सेंग ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन। इसको एक महत्वपूर्ण समय पे गाया जाता है। आवर नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन बाय द फेमस पोएट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसे एक बहुत ही फेमस कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इट इज ए सॉन्ग इज प्रेज ऑफ आवर बिलव्ड मदरलैंड। हाँ, वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल एंथम। एकदम हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपने राष्ट्रीय गान को बहुत ही रिस्पेक्ट आदर करें। वी मस्ट लर्न द सेंग सॉन्ग एंड सिंग द प्रॉपरली। एकदम जरूरी है कि जब हम इस गाना को सुन रहे होते हैं या गा रहे होते हैं तो इसे प्रॉपरली ध्यान दे करके सुनना और गाना चाहिए। वी सिंग व्हेन वी सिंग इट इट और हियर इट बीइंग सिंग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन। जब हम इस गाना को सुन रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, इस समय जरूरी है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहें। वी मस्ट नॉट टॉक और मूव अबाउट ड्यूरिंग दैट टाइम। इसलिए इस समय में जब हम इस गाने को सुन रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, उस समय एकदम जरूरी है कि ना तो हम बात करें और ना ही इधर उधर घूमें। ओके स्टूडेंट, अब आपको मैं आगे क्लास में नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड और नेशनल फ्लावर के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके बाय।